अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसने हमारी इस मौजूदा जिंदगी को तकरीबन तब्दील करके रख दिया है। लगभग 8 से 9 कंट्रीज के पास आज जो हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, वो भी रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस की वजह से मौजूद हैं। इसके अलावा हम एक अच्छी सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और मुख्तलिफ तरीकों से काम आ सकती है, कैंसर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है ये प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी का। ये प्रोसेस है क्या? इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था एंटोनी बेक्यूरल ने, और एंटोनी बेक्यूरल ने इस प्रोसेस को एक्सीडेंटली जो है वो डिस्कवर कर लिया था, उनकी नज़र में ये प्रोसेस आ गया। वो किस तरीके से आया, खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके फिनोमेना में, इसके मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्यों कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने अंदर से रेडिएशंस निकालना शुरू हो जाता है। लेट्स बिगिन विद दिस स्टोरी एंड द डेफिनेशन। कहते हैं द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन आइसोटोप इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। सिमिलरली दोज एलिमेंट्स व्हिच हैज एटॉमिक नंबर मोर देन 82 फाउंड टू बी नेचुरली अनस्टेबल, दीज एलिमेंट्स एमिट हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस टू बिकम स्टेबल। The radiations which are emits are known as radioactive radiations. These elements are known as radioactive elements and the process known as radioactivity. सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ चीजों को देखना होगा कि हम किसी एलिमेंट में से खुद से रेडिएशंस नहीं निकलवा सकते, बल्कि वो एलिमेंट अपने अंदर से रेडिएशंस हम नहीं निकलवाएंगे, वो खुद निकालेगा। That process is spontaneous, एकदम से होगा ये process। और दूसरी बात ये कि जिस एलिमेंट में से ये रेडिएशंस निकलेंगी उसका जो न्यूक्लियस होगा वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल और सर्टेन आइसोटोप, किसी भी एलिमेंट का कोई भी आइसोटोप रेडियोएक्टिव हो सकता है। यहां पर ये देखा गया है कुदरती तौर पे एटॉमिक नंबर जिनके 82 से ज्यादा होते हैं, यानी कि वो एलिमेंट जो हमारे इस पीरियोडिक टेबल में लेड के बाद पाए जाते हैं वो अनस्टेबल है, और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस निकालते हैं। उन रेडिएशंस को रेडियोएक्टिव रेडिएशंस या रेडियोएक्टिव रेस कहते हैं। एलिमेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं और प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। अब ये कोई भी एलिमेंट जो है वो बेचारा, उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल क्यों हो जाता है? लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर हमने स्टिमुलेशंस ओपन करके रखी हुई है। हम यहाँ पर एक एटम को बिल्ड कर रहे हैं, एक प्रोटॉन आया, एक न्यूट्रॉन आया, यहाँ पर हम कहते हैं एलिमेंट भी शो हो जाए, हाइड्रोजन हो गया ये, इसके अंदर दो प्रोटॉन आ गए तो ये किसका एलिमेंट बन गया? ये बन गया है हीलियम का, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं कि ये स्टेबल है कि ये अनस्टेबल है। इसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रॉन भी डाल दिए, इसमें एक और हमने जो है वो क्या डाला, प्रोटॉन डाला, ये भी इस वक्त भी क्या है, स्टेबल है। अच्छा जी, इसमें हमने एक और न्यूट्रॉन डाला, तो न्यूट्रॉन के जाते ही ये मेरा प्यारा हीलियम का एटम जो कुछ देर पहले जिसका एटॉमिक मास जो था वो 4 था, और किस तरीके से 4 था कि इसमें 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे। जैसे ही इसके अंदर एक न्यूट्रॉन और गया तो वो जो है उसका मास नंबर 5 हो गया, और मास नंबर 5 होते ही बिकॉज ऑफ द एडिशनल न्यूट्रॉन दिस हीलियम बिकम अनस्टेबल। हमें इससे क्या पता लगता है, चलेंगे और देखते हैं। लिथियम के पास देखें, लिथियम के पास जब 3 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तो हमारा लिथियम जो है वो अनस्टेबल होता है, एक पे भी अनस्टेबल होगा, स्टेबल हो गया। एंड अगेन वंस अगेन क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने पर क्या सूरत हाल है, 1, 2, 3, 4, 5 5 जब इसके पास न्यूट्रॉन होते हैं लिथियम, तो लिथियम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। हम यहां पर ब्रिलियम के पास जाते हैं, ये ब्रिलियम स्टेबल है कुदरती हालत में, कुदरती रूप में हमारा ब्रिलियम एटम जो है वो, मैं अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये इसकी कुदरती है कि इसके पास 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 5 न्यूट्रॉन और 4 प्रोटॉन होते हैं ब्रिलियम के पास, एटॉमिक नंबर 9, मास एटॉमिक मास जो है वो उसका 9 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 4 होता है। लेकिन जैसे ही इसका एटॉमिक नंबर 10 होगा तो ब्रिलियम का वो जो आइसोटोप होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, हम उन अनस्टेबिलिटी को काउंट नहीं करते जो कि न्यूट्रॉन के कम होने की वजह से होते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं गया कि न्यूट्रॉन जब किसी एटम में कम होते हैं तो वो अनस्टेबल हो, बल्कि अगर हम इसके आइसोटोपिक डाटा को देखेंगे तो इस तरह का ब्रिलियम दुनिया में पाया भी नहीं जाता होगा। खैर, तो वापस आते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। तो हमने क्या सुना, हमने ये देखा कि वो तमाम एलिमेंट्स जो के जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू दी अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और स्पेशली जब प्रोटॉन्स की तादाद कम होती है और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आइसोटोप का जो न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस का इमिशन करता है। और अपने अंदर से कहां से रेडिएशंस का इमिशन करेगा बेटा, वो अपने न्यूक्लियस में से ही रेडिएशंस को इमिट करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बेचारे ऑर्बिट में सर्कुलेट कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का इस रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जितने भी मैंने इजाफी इलेक्ट्रॉन जज्बात में यहाँ पे डाल दिए उनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ वापस, ठीक है। अब ये हमारा जो प्यारा ब्रिलियम का एटम है, चलें जी, ये स्टेबल भी है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इक्वल भी है क्योंकि नेट चार्ज इस पे जीरो है, मास नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 4 है। अब ये परफेक्ट एग्जांपल हो गई किसकी, अनस्टेबल ब्रिलियम आइसोटोप, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इस न्यूक्लियस में से रेडिएशंस को इमिट करेगा, और जो रेडिएशंस इसमें से निकलेंगी वो रेडिएशंस जो है वो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कहलाएंगी। अब रेडियो एक्टिव रेडिएशंस के ऊपर लॉर्ड रदरफोर्ड ने थोड़ा सा काम किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एक लेड के बॉक्स में रख दिया था। यहाँ पर मैं आपको कुछ डायग्राम्स भी दिखाना चाहूंगा, और वो डायग्राम्स क्या है, एक डायग्राम तो ये रही, ठीक है, और एक डायग्राम ये रही, हाँ जी। तो इसको मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूं कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, लॉर्ड रदरफोर्ड ने क्या किया कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को लेड के बॉक्स में रख दिया, रेडियो एक्टिव मटीरियल को, और उसके बाद उन रेडिएशंस को पास करवाया एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में से, और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड कहलाता है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड कहलाता है। जब ये रेडिएशंस इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में से होकर गुजरी तो वो तीन हिस्सों में डिवाइड हो गई, यानी कि कुछ रेडिएशंस जो हैं उन्होंने अपनी डिफ्लेक्शन, उन्होंने अपने आप को मोड़ लिया नेगेटिव की तरफ, तो उनको हमने कहा कि वो पॉजिटिव रेज हैं, यानी कि अल्फा रेज हैं। जिन रेडिएशंस ने अपने आप को एनोड की तरफ बेंड किया, एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट किया, इसका मतलब है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उनको नाम दिया गया बीटा रेस। और जिन रेडिएशंस ने ना तो अपने आप को कैथोड या एनोड की तरफ बेंड किया बल्कि वो स्ट्रेटली चले गए, तो उनको कहा गया गैमा रेस। अच्छा, ये बात भी नोट की गई कि जो अल्फा रेस थी उनकी डिफ्लेक्शन बेशक कैथोड की तरफ थी लेकिन वो बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही हल्की सी बैंड हुई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो नेगेटिव रेस थी यानी कि बीटा रेस, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बहुत ज्यादा बैंड हो गई थी, जबकि गैमा रेडिएशंस ने हल्का फुल्का भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया था। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, दैट इज व्हाई दे शो देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड, और दूसरी बात कि दे आर हैवी एंड स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हैं और हैवी हैं जब ये उनकी डिफ्लेक्शन कम थी, जबकि बीटा रेज उनके कंपैरिजन में नेगेटिवली चार्ज तो हैं मगर ये लाइटर पार्टिकल हैं, दैट इज व्हाई एनोड इजीली अट्रैक्ट द बीटा रेज टुवर्ड इटसेल्फ एंड बीटा रेज शो ग्रेटर डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। खैर, अब हम ये देखते हैं कि ये अल्फा बीटा और गैमा रेस जो है वो इनको लेड के बॉक्स में क्यों बंद करके रखा। तो उसके लिए मेरे पास ये डायग्राम वापस में ओपन कर लेता हूं कि अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस को जो है वो, मतलब उन उस सब्सटेंस को जो कि ये रेडिएशंस निकालता है, उसको लेड बॉक्स में बंद करने के लिए, बंद इसलिए किया गया क्योंकि जब ये स्टडी किया रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को, पता लगा कि अल्फा रेडिएशंस जो है वो एक पेपर की मदद से भी रोकी जा सकती है,
एक पेपर को पार नहीं कर सकती, जबकि बीटा रेडिएशन जो है वो एक पेपर को इजीली पार कर लेंगी, मगर एल्यूमिनियम की एक शीट को वो पार नहीं कर सकती। लेकिन गामा रेडिएशन जो है वो ऐसी रेडिएशन है, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन है कि उनको सिर्फ और सिर्फ रोका जा सकता है लेड के एक बॉक्स के जरिए, लेड के एक डब्बे के जरिए, वरना 6 फिट मोटी कंक्रीट की दीवार गामा रेडिएशन को रोक पाएगी। जी हाँ, 6 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार जो है वो गामा रेडिएशन को रोक सकती है, वरना या फिर लेड का एक सिंपल सा बॉक्स गामा रेडिएशन को बाहर निकलने से रोक सकता है। तो दैट इज वाई जो लॉर्ड रदरफोर्ड थे, उन्होंने हमारी अल्फा रेडिएशन को, मतलब रेडियो एक्टिव मटीरियल को, एक लेड के बॉक्स में बंद करके रखा। अच्छा, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। अल्फा रेडिएशन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दे आर मेड अप ऑफ, दे आर ऑल्सो नोन एज हीलियम न्यूक्लियाई। इनको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। और हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब क्या है कि अल्फा रेडिएशन को जब आप जूम करके देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। यानी कि ये मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ये एक और ये एक और ये एक और प्रोटॉन निकाला, ये एक और न्यूट्रॉन निकाला और ये एक प्रोटॉन निकाला और ये एक और प्रोटॉन निकाला। तो इस तरह से हमारा कुछ जो है वो क्या दिखेगा, अल्फा पार्टिकल्स दिखेंगे। अच्छा जी, तो ये बीटा पार्टिकल्स क्या है? बीटा पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दिस इज बीटा पार्टिकल। और जो एनर्जी बचती है, जो एनर्जी बचती है वो कहलाती है गामा रेडिएशन। यानी कि एटम जब अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकाल देता है, बीटा पार्टिकल्स निकाल देता है, तो उसके बाद बारी आती है गामा रेडिएशन की। जो बची हुई एनर्जी होती है वो भी अपने अंदर से निकालता है ताकि एटम मुकम्मल तौर पर स्टेबल हो जाए। ठीक है जी, अब उसके बाद इनकी आयोनाइजेशन पावर, अल्फा पार्टिकल्स की जो आयोनाइजेशन पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन पावर का मतलब क्या है कि अगर एक आवारा अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई हवा में से घूमता हुआ जा रहा होगा तो हवा का जो जो एटम उसके कॉन्टेक्ट में आएगा, क्योंकि इसके पास, क्योंकि इसकी सूरत हाल कुछ इस तरीके से है, इस बेचारे को बहुत ज्यादा जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आवारा भी घूम रहा होगा तो अल्फा पार्टिकल के करीब से गुजरा तो अल्फा पार्टिकल उसको अपने साथ क्या कर लेगा, अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट इज वाई जो अल्फा पार्टिकल्स हैं कहलाए जाते हैं कि उनकी जो आयोनाइजेशन पावर होती है बहुत ज्यादा होती है और वो बड़ी आसानी के साथ किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बराबर से गुजर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल में आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ना कि अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल भी अल्फा पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया अच्छे तरीके से, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा हैवी है। अच्छा जी, बीटा पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्शन शो करते हैं और इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, दे आर हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स। और जबकि गामा रेडिएशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। मैंने बताया 6 फुट कॉन्क्रीट का एक जो दीवार होगी उसके जरिए गामा पार्टिकल्स को रोक पाओगे, वरना तुम्हें लगाना पड़ेगा एक लेड बॉक्स। और अल्फा पार्टिकल्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं एक्स रेज से। अब यहां पर मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूं कि फर्ज कीजिए मेरे पास कार्बन का एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसका मास नंबर 14 है। अगर कोई कार्बन का एटम अपने अंदर से, अगर कोई कार्बन का एटम अपने अंदर से निकालता है अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल्स निकालता है, तो इसका मतलब उसने अपने अंदर से हीलियम का न्यूक्लियस निकाला है। और अपने अंदर से हीलियम का न्यूक्लियस निकालने का मतलब क्या है कि उसने अपने अंदर से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकाले हैं। ठीक है जी, तो एटम ने अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकाले। 2 प्रोटॉन निकालने का मतलब यह है कि इसके इस एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी और 2+2 यानी 4 और मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी। तो जब कभी भी कोई भी एटम, चाहे वो कार्बन का हो चाहे वो किसी भी दूसरे एलिमेंट का हो, अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकालता है तो वो 2 एलिमेंट पीछे चला जाता है। यानी कि कार्बन अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद बन जाएगा ब्रिलियम और उसका एटॉमिक
मास जो होगा, मास नंबर जो होगा वो 10 होगा। अच्छा यहां पर मैं और एग्जांपल देता हूं, फर्ज कीजिए कि मेरे पास जो है वो कौन होता, मेरे पास होता नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकालता तो वो दो एटम पीछे चला जाता, यानी कि कार्बन और बोरॉन। तो हमारा नाइट्रोजन अल्फा पार्टिकल निकालने के बाद तब्दील हो जाता किसमें, बोरॉन में तब्दील हो जाता। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर कोई एटम अपने अंदर से बीटा पार्टिकल निकालता है, हैरानी इस बात की है कि बीटा पार्टिकल निकाल रहा है, बीटा पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया है, जबकि हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जब एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो एक एटम अपने न्यूक्लियस में से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, तो उसका आंसर ये है कि जो बीटा पार्टिकल है वो बिकॉज ऑफ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सीधा सीधा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, तो यहां पर हम ये देखेंगे जब कभी भी किसी भी एटम का जो न्यूट्रॉन है वो डिकम्पोज होता है, वो टूटता है, तो वो तब्दील हो जाता है, न्यूट्रॉन तब्दील हो जाता है प्रोटॉन में, और वो अपने अंदर से निकाल देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यानी कि जब कभी भी कोई भी एटम अपने अंदर से बीटा रे निकालेगा तो उसका एक न्यूट्रॉन तब्दील हो जाएगा प्रोटॉन के अंदर, और जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इमिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बीटा रे। और जब किसी भी एटम का प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन से तब्दील हो जाता है, कि यहां पर हम आपको एग्जांपल देते हैं कि क्या होने लगा है, यहां पर कार्बन बना देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6, और इसमें न्यूट्रॉन भी डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कार्बन 14 हो गया, जिसका जो है वो पॉजिटिव चार्ज 6 है और मास नंबर जो है वो इसका 14 है, और इसने अपने अंदर से क्या निकाला, इसने अपने अंदर से एक बीटा रे निकाला। बीटा रे निकालने का मतलब ये है कि इसका न्यूट्रॉन तब्दील हो जाएगा प्रोटॉन में, तो हम यहां से एक न्यूट्रॉन निकाल देते हैं और उसकी जगह डाल देते हैं एक प्रोटॉन। तो जैसे ही न्यूट्रॉन तब्दील हुआ प्रोटॉन में और अपने अंदर से उसने बीटा रे निकाला, तो आपने देखा कार्बन तब्दील हो गया किसमें, नाइट्रोजन में तब्दील हो गया, जबकि इसके मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने क्या लिखा, नाइट्रोजन मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7। तो ये बात समझ ले, जब कभी भी कोई भी एटम अपने अंदर से बीटा रेडिएशन निकालता है तो वो अपने से एक आगे एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अगर आप फर्ज करें कि मेरा नाइट्रोजन बीटा रे निकालेगा तो वो तब्दील हो जाएगा किसमें, ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन बीटा इमिशन करता है तो वो तब्दील हो जाएगा किसमें, फ्लोरीन में। और सिमिलरली गामा रेडिएशन निकालने से एटम की सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी जो है वो एनर्जी कम हो जाती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह।